नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कयामत से कयामत तक फिल्मों में प्यार निभाने वाले आमिर खान ने दूसरी बीवी को तलाक दे दिया और तीसरे से तलाश में है। शायद जो कहते थे कि सरफराज धोखा नहीं देगा, उस शख्स ने 15 साल बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वजह जो भी हो, पर अब उनका नाम फातिमा शेख से जुड़ रहा है। हालांकि वह उम्र में काफी छोटी है, लेकिन आमिर का दिल जवान है और लव जिहाद के लिए लगान वसूलने की तैयारी में है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फातिमा सना शेख ने साल 2016 में आमिर खान स्टार फिल्म दंगल में अभिनय किया था। इस फिल्म से ही फातिमा सना शेख को बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में फातिमा सना शेख के अभिनय को काफी सहारा गया, खूब तारीफ हुई। दोस्तों, फातिमा सना शेख उन बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक है जिन्होंने अपना करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। फातिमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म चाची 420 से की थी। इस फिल्म में भी फातिमा सना शेख ने अच्छा अभिनय किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया था। फातिमा सना शेख का जन्म 11 जनवरी 1991 को हैदराबाद में हुआ था। फातिमा के पिता का नाम विपिन शर्मा है। फातिमा की माता का नाम राजा तबस्सुम है। फातिमा के पिता हिंदू है। अब इन सब के बाद तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आमिर खान को पता था कि ये हिंदू की लड़की, इस वजह से उससे तीसरा निकाह करने जा रहे हैं। कई लोग का मानना है कि ये तो सरासर लव जिहाद है। आपको बता दें, आमिर और किरण के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद एक दूसरी बार आमिर खान ने हिंदू लड़की से शादी की और फिर उसे तलाक दे दिया। ट्विटर पर एक यूजर ने आमिर खान पर लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर होने का आरोप लगाया। तीरथ नाम के यूजर ने लिखा, आमिर खान लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर है, पहले रीना दत्ता और अब किरण राव, ये है सच्ची शांतिपूर्ण प्रेरणा। अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे अभिनेताओं को मेरा सम्मान है। आमिर खान की पहली पत्नी से जुनैद खान और ईरा खान दो बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से आजाद खान। इसका जिक्र करते हुए एक यूजर ने लिखा, दोनों ही हिंदुओं से शादी करके तीन मुसलमान बच्चे हैं, ये लव जिहाद का बेहद स्वीट रास्ता है। अच्छा खेला आमिर खान, शादी दो अलग अलग धर्म में हो सकती है लेकिन बच्चे मुसलमान ही होंगे। वहीं रीना दत्ता और किरण राव से तलाक के बाद लोग सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे हैं कि अब आमिर खान जल्द ही फातिमा शेख से शादी कर सकते हैं। लोग आमिर और फातिमा शेख की तस्वीरों को शेयर करके कयास लगा रहे हैं कि दोनों ही जल्द एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इन सब को लेकर आमिर खान ने कोई बयान नहीं दिया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।